नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर समृति आपका अपने YouTube चैनल डॉक्टर खारी पर स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं फ्यूकस वेसिक्यूलस के बारे में, जो कि एक होम्योपैथिक दवा है जो कि मोटापे के लिए इस्तेमाल की जाती है। अगर आप लोग अबीस हैं, ओबेसिटी के शिकार हैं, तब आप इस दवा का यूज़ कर सकते हैं। साथ ही अगर गोइटर की शिकायत हो किसी पेशेंट को, तब वो फ्यूकस वेसिक्यूलस ले सकता है, अपने गोइटर के सिम्टम्स में आराम पा सकता है और उसको ठीक कर सकता है। ये जो दवा है, ये आप लोगों को पतला रखने में, हेल्दी रखने में हेल्पफुल होती है और इसके अंदर आयोडीन की मात्रा ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ये गोइटर को ट्रीट करने में हेल्पफुल रहती है। अगर आप लोगों का वज़न जो है वो ज़्यादा हो रहा है, बढ़ रहा है, और आप अपने वज़न को कम करना चाहते हैं, तब आप इस दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। कई बार आप लोगों के हार्मोनल इम्बैलेंस होने की वजह से ये परेशानी होती है, तो ये जो दवा है फ्यूकस, ये आपके हार्मोन्स को बैलेंस करती है, जिससे कि आप पतले हो जाते हैं। और जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया है कि ये थायराइड ग्लैंड के ऊपर भी काम करती है, तो थायराइड ग्लैंड के अंदर TSH, T3, T4 लेवल्स जो होते हैं वो कई बार कम या ज़्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से आप लोगों को हाइपोथायरायडिज्म या हाइपरथायरायडिज्म हो जाता है, तो उनके सिम्टम्स भी मोटापा हो सकते हैं। और आप लोग जो है इन चीज़ों को ठीक करके अपने मोटापे को कम कर सकते हैं। जिन लोगों को मोटापे के साथ इनडाइजेशन रहता है, उनके डाइजेशन को ठीक करने में हेल्प करती है फ्यूकस। और अगर किसी को बहुत ज़्यादा गैस बनती हो, उसकी गैस को भी कंट्रोल करती है। फ्लेचुलेंस अगर बहुत ज़्यादा होती है, उसको कम करवाने में हेल्प करती है। अगर आप लोग बहुत ज़्यादा गैस पास कर रहे हैं, तो फ्यूकस का इस्तेमाल करने से वो कम हो जाएगा और आप लोगों का डाइजेशन जो है उसको इम्प्रूव करके वो आपके सारे डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करती है, जिससे कि डाइजेशन अच्छा होता है और आपकी जितनी भी परेशानियां हैं इनडाइजेशन की वजह से आई हुई, उनको ठीक करती है। जब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक हो जाएगा, खाना जो है सही से पचना शुरू होगा, तब आप लोगों का जो मोटापा है वो भी कम हो जाएगा। और इसी तरीके से आप इस दवा के इस्तेमाल से अपने मोटापे पे कंट्रोल पा सकते हैं। हाइपोथायरायडिज्म या हाइपरथायरायडिज्म की वजह से आ रहे जितने सिम्टम्स होते हैं, जैसा कि अगर हम हाइपोथायरायडिज्म की बात करें, जिसमें कि वेट गेन होता है और साथ ही आप लोगों को इरेगुलर मेंसेस हो जाते हैं फीमेल्स के अंदर, या फिर एक्ने पिंपल्स की शिकायत रहती है और हेयर फॉल वगैरह की शिकायत होती है, ऐसी सिचुएशंस के अंदर आप फ्यूकस का इस्तेमाल करके अपने सिम्टम्स में आराम पा सकते हैं। और अगर आप लोगों को हाइपरथायरायडिज्म है, तब आप लोगों का वेट जो है लूज़ होना शुरू हो जाता है, आप लोगों के हाथों में ट्रैम्बलिंग आ जाती है और आप लोगों को पेल्पिटेशंस रहना शुरू हो जाते हैं, ऐसे केसेस में भी आप फ्यूकस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप लोगों को थायराइड ग्लैंड की वजह से आप लोगों के हार्मोन्स इम्बैलेंस हो रहे हैं, उनकी वजह से जितने सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, उनमें फ्यूकस जो है वो अच्छा काम करती है और आपके सिम्टम्स में आराम दिलवाती है। फ्यूकस जो है, अगर इसकी डोसेज की बात करें, तो ये क्यू पोटेंसी के अंदर ली जाती है, यानी कि इसका मदर टिंचर जो है वो यूज़ किया जाता है। पर अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तभी इसका इस्तेमाल किया जाए, अदरवाइज़ इसकी जो छोटी पोटेंसीज हैं, कम पोटेंसीज हैं, उनका इस्तेमाल करना ज़्यादा ठीक होगा। अगर आप लोगों की परेशानी ज़्यादा है, तो क्यू में इस्तेमाल कीजिए, अदरवाइज़ इनको 3200 के अंदर ही, जैसे बाकी जो रेमेडीज़ हैं वो यूज़ की जाती हैं, उसी तरीके से इसका इस्तेमाल करें। और आप कभी भी कोई भी अगर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं या मेडिकेशन ले रहे हैं, तो अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लें, और या फिर आप हमसे भी कंसल्ट कर सकते हैं। आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज ड्रॉप करके हमसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और अगर आप लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी ज़्यादा हो रही है, तब आप हमें कॉल भी कर सकते हैं और अपना जो ट्रीटमेंट है वो हमसे पूछ सकते हैं, या कोई सलाह अगर आप लेना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं। और अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हों, तो इन्हें लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें, और कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं कि आप लोगों को हमारी वीडियोस कैसे लग रहे हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं, तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, ताकि आप आगे आने वाले हेल्थ रिलेटेड वीडियोस से अपडेटेड रहें। धन्यवाद।